नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के समय दो दिन के इम्पोर्टेंट टूर पे है टू द कंट्री ऑफ फ्रांस, और ये टूर अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पहली बार है हिस्ट्री में जब फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित किया है विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अवार्ड है फ्रांस के कल्चर में, इनकी सरकार में, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा अवार्ड इनकी सरकार, चाहे मिलिट्री की फील्ड हो या सिविलियन फील्ड हो, इससे बड़ा ऑनर नहीं देती। ये आप कह सकते हैं फ्रांस का भारत रत्न है। तो ये सम्मान दिया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, और इंडिया के पीएम ने यहाँ पर ट्वीट करी और ये कहा है कि ये सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, कि आज के समय इंडिया की पावर इतनी है कि इंडिया के पीएम को ये सम्मान मिलता है, और इसलिए इन्होंने यहाँ पर थैंक किया है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को। और उसके अलावा पीएम मोदी ने एक दो मिनट की वीडियो भी पोस्ट करी है अपने पहले दिन के बारे में, फ्रांस में जो इनका पहला दिन है उसमें क्या क्या हुआ, वो सब बातें आपको दिख जाएंगी इस वीडियो में। अभी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो, और अभी तो देखिए बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है आज का 14 जुलाई का, क्योंकि आज है फ्रांस का बैस्टियल डे, और बैस्टियल डे परेड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट होंगे, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि पीएम मोदी का जो पहला दिन था जुलाई 13 का, उसकी जो मेन हाइलाइट्स हैं ये आप सब लोग देखें। प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बॉर्न मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई थी। ये आत्मीयता सिर्फ दो देशों के नेताओं के बीच नहीं है, बल्कि ये भारत फ्रांस की अटूट दोस्ती का प्रतिबिंब है। भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। इसी भावना के साथ भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से निपट रहे हैं। भारत की धरती भी आज एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रही है। इस परिवर्तन की कमान भारत के नागरिकों के पास है, भारत की बहनों बेटियों के पास है, भारत के युवाओं के पास है। नाउ इस वीडियो मॉन्टाज में आपने एक बात नोट करी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये बात एक ग्रैटिट्यूड के साथ ये कहते हैं कि जब मैं फ्रांस में आया, जब मेरे प्लेन ने लैंड किया फ्रांस में, तो फ्रांस की जो प्राइम मिनिस्टर है एलिजाबेथ बॉर्न, इन्होंने मुझे डायरेक्टली वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली फ्रांस जैसी प्राउड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, जब आपके कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे लिटरली अभी कह सकते हैं फ्रांस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है इंडिया के साथ रिलेशंस को। और यहाँ पर आप देख पाएंगे, मैंने ऐसा दृश्य बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के लिए नहीं देखा, जिस टाइप का भव्य वेलकम किया गया है पीएम मोदी का यहाँ पर, और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर रेड कारपेट के साथ इनको वेलकम कर रही है फ्रांस में। ये मैंने आई थिंक जो बाइडन के लिए देखा था मोस्ट रिसेंटली, उसके अलावा ट्रंप के लिए कभी ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप का केस भी कुछ और था, खैर ट्रंप ने काफ़ी बार इमैनुअल मैक्रों के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी, तो उस वजह से भी कभी इनको इतना भव्य वेलकम नहीं मिला। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ, अच्छे अच्छे कंट्रीज, इवन परहैप्स जापान के पीएम का भी ऐसे वेलकम नहीं होगा फ्रांस में जैसे इंडियन पीएम का हुआ है।
और उसके अलावा जो ये ऑनर दिया गया है ना ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये ऑनर सबसे पहले शुरू किया था नेपोलियन ने, फ्रेंच एम्परर नेपोलियन ने स्टार्ट किया था 1802 में, कि फ्रांस में जो भी कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करेगा फ्रांस के लिए, या फिर कोई बाहर का कोई व्यक्ति जो फ्रांस के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में काम करेगा, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। तो इस अवार्ड की भी ना श्रेणियाँ हैं, जिस तरीके से भारत में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इस तरीके से श्रेणी होती है, फिर सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसी तरीके से इन लोगों ने जो ये लीजन ऑफ ऑनर है इसकी भी कैटेगरीज बांट रखी है। एक होता है नाइट, फिर ऑफिसर, फिर कमांडर, फिर ग्रैंड ऑफिसर, फिर ग्रैंड क्रॉस। मोदी जी को सबसे हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ग्रैंड क्रॉस वाला सम्मान दिया गया है। नहीं तो इससे जो कम श्रेणी के अवार्ड हैं ये बहुत से इंडियंस को मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल JRD टाटा, मैं एक्चुअली आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि लीजन ऑफ ऑनर कितने इंडियंस को मिला है, बट बहुत ही कम इंडियंस को ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है ग्रैंड क्रॉस, ये तो हो गया फ्रांस का भारत रत्न, ठीक है। ये इंडिया के दो महाराजा जो थे, एक 1930 में, उसके अलावा 1948 में, उनको ये अवार्ड दिया गया था। उसके बाद सीधा पहले इंडियन बने हैं नरेंद्र मोदी, जिनको 1948 के बाद ये सम्मान मिला है, इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप अगर जो कमांडर लेवल देखो, मतलब इनका पद्म भूषण आप कह सकते हैं, वो ये अवार्ड दे चुके हैं सत्यजीत रे को, उसके अलावा ई श्रीधरन साहब को, आपको बताया होगा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, अमर्त्य सेन, रतन टाटा, JRD टाटा। फिर और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो जैसे आप कह लीजिए इनका जो पद्मश्री आप कह सकते हैं ये मिला हुआ है अमिताभ बच्चन को, लता मंगेशकर को, यशवंत सिन्हा को। और ये अवार्ड देखिए कभी भी किसी चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, शी जिनपिंग को ये अवार्ड नहीं मिला है, जो बाइडेन को ये अवार्ड नहीं मिला, ट्रंप को ऑब्वियसली ये अवार्ड नहीं मिला। उसके अलावा वैसे भी आप देखो ना तो प्राइम मिनिस्टर्स को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को फ्रांस वैसे ही बहुत कम ये अवार्ड देता है। तो इसलिए ये अवार्ड जेन्युइनली सिग्निफाई करता है कि फ्रांस आज के समय इंडिया को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और ऐसा नहीं है कि फ्रांस ने बस इंडिया के PM को ही ये सम्मान दे दिया, उसके अलावा इंडिया की जनता को जिससे बेनिफिट हो वो कुछ काम नहीं किया। तो मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस ने अब ऑफिशियली UPI एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो छोटी सी क्लिप है बाय PM मोदी, एक मिनट की क्लिप है अबाउट फ्रांस एंड UPI, ये मैं चाहता हूं आप देखें। फ्रांस में भारत के UPI के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी, यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। नाउ UPI एक्सेप्ट करने वाली कंट्रीज़ की जो लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे यहाँ पे आप देख पाओगे कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, श्रीलंका, उसके अलावा मालदीव्स, UAE, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया। नाउ यहाँ पे वैसे मुझे एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि इसका मतलब ये नहीं, अभी PM मोदी ने ये कहा कि फ्रांस में जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे वो UPI के जरिए भुगतान कर पाएंगे, कहीं से कुछ परचेज किया, कुछ लिया तो रुपीस से आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, उसके पास भी एक प्रॉपर UPI अकाउंट होना चाहिए, तभी वो पेमेंट ले भी पाएगा। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में कहीं भी कोई, आपने कोई दुकान देख ली, कोई मॉल देख लिया, वहाँ पर भी आप चले गए UPI की पेमेंट करने के लिए। इसलिए PM मोदी ने ये कहा है कि समझौता तो मैंने कर दिया है, आगे इंडियन पब्लिक के ऊपर है कि ये डिमांड भी इसकी रखते हैं या नहीं रखते। क्योंकि देखो, अगर भारत के टूरिस्ट फ्रांस में, पेरिस में और जगह जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में गए और जगह गए, वहाँ पर पूछा कि हमने खाना खा लिया है, हम इसकी पेमेंट करना चाहते हैं UPI से, तो हो सकता है इनिशियली जो वहाँ पे ओनर है उसको पता ना हो कि UPI क्या है, कैसे ऑपरेट करता है वगैरह,
मगर यहीं पे बात आती है अब इंडियन पॉपुलेशन की कि हम लोग इसकी डिमांड करें, उनको बताएं कि ये पेमेंट सिस्टम क्या है। इवेंचुअली वो लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, उनको पेमेंट मिलेगी इससे, वो भी यूपीआई के अंडर अपने बिजनेस को ले आएंगे। और इंडियन टूरिस्ट देखिए दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, भगवान करे कल को आप भी इतनी तरक्की करें कि कल को आप फ्रांस, यूरोप के बाकी कंट्रीज हैं वहां पर छुट्टियां मनाने के लिए जाएं। और अगर आप जाते हैं तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा अपनी अपनी तरफ से छोटी सी कि रुपी में पेमेंट की जाए, और अगर रुपी की पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो पोलाइटली आप ये इशू रेज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि मैं यूपीआई से पेमेंट करूँ। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली, मगर जो इंडिया फ्रांस की डिफेंस डील होगी उस पर मैंने कुछ बोला नहीं। अभी देखिए कुछ अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आई नहीं है कि इसी विजिट में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी या नहीं, उससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ अग्रीमेंट साइन होते हैं, उस पर मैं बाद में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड। बाकी जो बेस्टियल डे परेड है उससे रिलेटेड भी आपको एक अलग से वीडियो मिलेगी। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं चाहता हूँ आप सब लोग करें कॉमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइन गैस। फॉस्फाइन गैस यूजुअली उस प्लैनेट में मिलती है जहाँ पर लाइफ हो, ये बहुत ही रेयर गैस होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाल ही में ये गैस किस प्लैनेट में मिली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मरकरी, वीनस, यूरेनस या फिर मार्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा इसका, इसका आंसर हल्का गूगल करोगे मिल जाएगा, मगर जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की एक मैसिव सेल चल रही है इस वक्त। यूजुअली अनअकैडमी का डिस्काउंट होता है 10%, आज के समय ये डिस्काउंट बढ़ के 50% हो चुका है। आप चाहें तो यूपीएससी कोर्स कर सकते हैं परचेज अनअकैडमी का। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा यूपीएससी कॉम्बो का, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे अनअकैडमी का यूपीएससी कॉम्बो कोर्स। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप रुक कर प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ये कोर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ₹2500 पर मंथ में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।